have looked very carefully this question. So in this question we have, if 3 cot A equal to 4, we can clearly show here these three are multiplication of trigonometric function. एक बात बताते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, इस फन के लिए बता रहे हैं, साइन एंड कॉस आर द, दिस इज द फादर एंड दिस इज द मदर एंड द सन ऑफ बोथ ऑफ पर्टिकुलर दिस दैट इज कॉट पैन एंड कॉट. यू कैन से सर टेल मी समथिंग अबाउट sec एंड cosec. तो साइन इज साइन का जो ब्रदर है दैट इज cosec, और ये इनका sec भी इनका क्या है, ये इनकी बहन है, cos की बहन है ये. समझ में आ रहा है ना आपको, दिस इज द टू सन ऑफ, ठीक है, दिस इज द पेरेंट्स. ऑल राइट, यू कैन अंडरस्टैंड. चलिए अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं. साइन cos sec हो सकता है. क्लियरली सी दिस थ्री, दिस थ्री, हाँ बार बार, हाँ जी ऑन करिए वीडियो को ऑन सर. तो सी केयरफुली हियर, थ्री इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो वी शुड नो, वी नो दैट इन प्रीवियस ईयर फ्रॉम 7 to 8 क्लास, इफ एनी नंबर इन मल्टीप्लीकेशन टू एनी फंक्शन, any number are in multiplication to any function, so they will be shift from the denominator. So here 3 will be shift, so cot A it will become 4 upon 3 and so we know that the value of cot A that is 4 upon 3 in the terms of, we will talking about the formula. What is the formula of cot A? B upon P. Yes, we can. So B upon P. ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा कॉट का? If we will talking about, we want this. What we want? We want tan A. हमें क्या चाहिए? Tan A. हमारे हाथ में पकड़ा दिया cot A. लो भैया. तो हम क्या करेंगे? हम cot A से tan A बना देंगे. हमारे पास एक जादू है. We have magic. So how we can convert it? We can convert it from, we know that the opposite of tan A, that is cot A. The opposite of tan A, that is cot A. So, if we can converting cot A in the terms of tan A, so we can reversing the value, so we will get 3 upon 4. So, we will get 3 upon 4. This is the value of tan A. This will value, we can putting from here. Alright, so we will taking what? We will cot A is equal to. अच्छा इस क्वेश्चन के आगे भी है, मैंने पूरा लिखा नहीं है, क्या लिखा हुआ है क्लियरली मैं आपको लिखा देता हूँ. cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, ये हमारा प्रश्न है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. बेसिकली व्हाट आई विश, हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमारा प्रूफ हो जाए. लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये इसके क्या है, बराबर है. किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है. ये हमें साबित करना है. हम कैसे साबित करेंगे? हमने जो भी वैल्यू उठा ली, ठीक है, हम ये वैल्यू इसको उठाकर यहां रख देंगे. लेकिन आगे जब हम बढ़ेंगे, सो बेसिकली हैव यू लुक इट वेरी केयरफुली, इन राइट हैंड साइड वी हैव कॉस ए एंड साइन ए, तो वी डोंट हैव साइन ए एंड कॉस ए. तो हाउ वी कैन फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड आउट कॉस ए. तो हाउ वी कैन फाइंड आउट कॉस ए, यू कैन से सर वी हैव बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज द फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ डायग्राम दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी. इफ हियर द एंगल इज ए, हियर एंगल इज ए, यहां पर क्या एंगल है, ए है, ठीक है, दैट मीन्स थीटा हमारे यहां पे, फ्रंट ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, दैट कुड बी अ परपेंडिकुलर अलोंग द एंगल, दैट कुड बी अ बेस. And if we're talking about this, this is what? This is our hypotenuse. So, we should know base upon hypotenuse. हमारा बेस क्या आएगा? बेस है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. हमारा बेस क्या आएगा? 4 है. वी नो 4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. वी नो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हमारा 3 है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. वी डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली द हाइपोटेन्यूज. तो हाउ वी कैन फाइंड आउट, वी यूजिंग अवर बेस्ट फ्रेंड
देयर हेल्प टू फाइंड आउट द हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ऑलराइट, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट हाइपोटेनियस? सो हाइपोटेनियस को एसी का स्क्वायर लिखेंगे, कर्ण का वर्ग होता है जी. लंब क्या है हमारा? तीन है, तो तीन का स्क्वायर यहाँ पे पहले साइड लिख लो अच्छे प्यार से, बीसी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर. बीसी क्या है हमारा? तीन का स्क्वायर नौ होता है, ए बी चार का स्क्वायर सोलह होता है, एसी का स्क्वायर किसको बदल गया है? पच्चीस. स्क्वायर चलाएगा तो क्या आ जाएगा जी? घूंघट. ठीक है, एसी इक्वल टू कितना आ गया हमारा? पांच सेंटीमीटर. दैट मींस अवर हाइपोटेनियस इट कुड बी अ फाइव. हमारा कर्ण आ गया है अंगराज कर्ण. अब हम क्या करेंगे? कॉस ए की वैल्यू बता सकेंगे. हम तब तक नहीं बता पा रहे थे, हम वी कांट प्रेडिक्ट. व्हाई? बिकॉज वी डोंट नो द साइड ऑफ दैट इज कुड बी हाइपोटेनियस. हमें हाइपोटेनियस पता नहीं थी, तो वो निकालने के लिए हमने क्या यूज करी? पीटीएम. पीटीएम से धावा बोल देंगे इसके ऊपर. निकालो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है. कॉस ए, कॉस के अंदर ए है. कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है जी? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस. बेस अपॉन में हाइपोटेनियस. बेस अपॉन में हाइपोटेनियस. बेस क्या है हमारा जी? चार है. हाइपोटेनियस क्या है हमारा? पांच है. साइन का भी निकाल दोगे? साइन भी कुछ, साइन भी इशारे कर रहा है कल. ठीक है, मुझे भूल नहीं जाना. ठीक है, तुम्हें कहां से भूलेंगे? भूल पाया आज तक? तुम तो बाप हो. तो साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच, पी अपॉन में एच. परपेंडिकुलर क्या हमारा? थ्री है. हाइपोटेनियस क्या हमारा? पांच है. अब सारी टीम आपने तैयार कर ली बाहुबली वाली, यस और नो? अब ये सारे हथियार आपने जुटा लिए. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? दैट मींस आपके पास सारी रेसिपी, सारी जो इंग्रेडिएंट्स डल रहे सब्जी के अंदर, वो सारे आपने तैयार कर लिया. अब आप क्या करोगे? ठीक है, अब अपन सब्जी बना लेंगे. सब्जी में अपन क्या करेंगे? छोकेंगे उसे, तड़का देंगे. ये सारी वैल्यूज को उठा लिया आपने, अब सारी वैल्यूज को क्या करेंगे? पुट करेंगे. आ रहा है आपको समझ में? तो सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे. आ रहे आपको? यहाँ ध्यान लगाओ. अच्छा, अभी जगह कम है, नहीं हो पाएगा. देखे ध्यान से. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लेंगे. तो आई एम पकड़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड को. टेकिंग मतलब ये लाल वाला. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, उल्टा हाथ लेने पर वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर ए. वन माइनस टेन स्क्वायर ए, वन माइनस टेन की वैल्यू क्या है? टेन की वैल्यू क्या थी हमारी? ये लिखिए, टेन की वैल्यू अपॉन फोर, थ्री अपॉन फोर. इसको यहां पुट कर दो, थ्री अपॉन में फोर. ध्यान से देखो, यहां पर पावर टू लगी है तो उसका क्या करना है? स्क्वायर अपॉन में वन प्लस टेन की, टेन की वैल्यू क्या है हमारी? वही थ्री अपॉन फोर, वन. वन माइनस थ्री की वैल्यू क्या होती? थ्री का स्क्वायर क्या होता है? फोर का स्क्वायर सिक्सटीन अपॉन में वन प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन अपॉन में सिक्सटीन. इसके बगे में भीख दे दी, इसके बगे में भीख दे दी हमने. सोलह एलसीएम सोलह आ गया, सिक्सटीन बन जा सिक्सटीन माइनस नाइन, सिक्सटीन बन जा सिक्सटीन प्लस नाइन अपॉन में सिक्सटीन. ओम, चलिए सोलह में से नौ जाएगा तो कितना बचेगा जी? सेवन. सोलह और नौ कितना होता है रिया? पच्चीस. ये हमारा आ गया. लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, सॉल्व करा, ये हमारा निकलकर आ गया. अब हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे. आगे हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले डायग्राम को मैं इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं बहुत ध्यान लगा के. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वापस को यहाँ लिखेंगे. तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग, टेकिंग राइट हैंड साइड, आर एच एस राइट हैंड साइड. कॉस स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर टी. कॉस का वैल्यू क्या है हमारा? कॉस का वैल्यू क्या था माय डियर्स? फोर अपॉन फाइव. फोर अपॉन फाइव की स्क्वायर माइनस किसकी? साइन की वैल्यू क्या थी? थ्री अपॉन फाइव. थ्री अपॉन में फाइव का स्क्वायर
चार का स्क्वायर क्या होता आएगा? 16 minus 9 upon 25 LCM same है, तो इसको कितने बार लिखेंगे? One time 16 में से 9 का minus कितना आएगा? Left hand side LHS is equal to RHS, खत्म। आगे बढ़िए, अब चलिए।